तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और एक नए जोश के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बढ़े हूँ गाइस। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो आप सभी का फिर से मेरी एक वीडियो में स्वागत है। तो भाई आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में स्लाइम फॉर्म बनाया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आज हम एक फार्म बनाने जा रहे हैं और उसका ये सारा आपको सामान दिखा देता हूँ। बस ये नीचे वाला है इसलिए मैं ऊपर उगा रहा हूँ भाई, ऊपर का नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से दृश्य को ले लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक वुड फार्म। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम एक खाली जगह पे आ गए, यहाँ पे लगाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे हमें 8 तक करना है भाई इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी ब्रो वो 9 तक करना है, मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया। वो 9, ये 7 सामने वाले ब्लॉक और ये वाली 8 तक। इसके बाद हमें एक एक ब्लॉक डिक कर लेना है फ्रंट का, मतलब एक लाइन से बना लेनी है यहाँ तक, तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस। जल्दी से हम सबसे पहले अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। वाटर बकेट ले आया था मैं, ये वाटर बकेट, और जल्दी से यहाँ से पानी ले लेते हैं बीच में से। ओके अब देखो सबसे हमें इन कोनों में गिरना है कि पूरा वाटर यहाँ तक आए, नीचे तक है जिस तक। यहाँ पे यार पता नहीं अपने आप ही यार मेरे ना सर्वर में कुछ प्रॉब्लम लगती है मेरे को, अपने आप ही यार डर्ट जो हट जाती है। जल्दी से वाटर ले लेते हैं और कोने वोने में डाल देते हैं भाई पूरी तरीके से। तो भाई अब मैंने सब में गेट दिया है और यहाँ यहाँ रह गया। ये बताओ आपको क्यों लग रहा है, वहाँ पे बर्फ़ जम गई थी इसलिए मैंने वहाँ पे कैंप फायर्स लगाई हैं गाइस। हाँ क्योंकि हम स्नोई एरिया हैं, अब टेस्ट भी हो जाएगा कि वुड फार्म कैसा वर्क करेगा एक स्नोई एरिया में, अगर आप भी स्नो एरिया में रहते हो कहीं। तो ये 4x4 का वो बना लेना है और 3 हाइट तक डिक कर लेना है पूरे को। तो भाई हम कर दिया एकदम कम्प्लीट। अब लिया है हम डबल चेस्ट, लगा देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से यहाँ पे और लगा देते हैं भाई। ये गलत लग गया यार, इसको तोड़ते हैं पहले। एक तो यार मैं वुडन एक्स नहीं लाया हूँ ना साथ में, वुडन एक्स होती तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है यार इतनी। हाँ भाई जल्दी से पहले थोड़ी सी डर्ट हटा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से लगाते हैं। हाँ ओके भाई फाइनली हो गई अटैच। और यहाँ पे ग्लास नहीं, ग्लास से पहले भाई हमें ऑपर अटैच करने हैं पहले, क्योंकि हमें उधर भी जाना होगा। ऑपर अटैच कर देते हैं भाई, चेस्ट से अटैच करने हैं आपको बैठ के, ध्यान से अटैच करना क्योंकि यही होगा अपना जहाँ पे सामान स्टोर होगा, वुडन स्टोर होगी। तो ओके अब यहाँ पे लगा देते हैं हम अपने ग्लास। ओके फाइनली इतना काम हो चुका कम्प्लीट, और यहाँ पे हम वाटर गेर लेंगे जिससे हॉपर से आ जाएगा सामान। देख रहे हो भाई बर्फ़ जम रही बार बार, मैं वहाँ पे कैंप फायर लगानी पड़ेगा मेरे को वहाँ पे भी। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेयर्स बना देते हैं जिससे हमें ऊपर और नीचे जाने का रास्ता बन जाए। एक मिनट यहाँ से यार, ये एक तो पहले तो स्नो हटानी पड़ती है उसके बाद ही कुछ हो पाता है। यहाँ पे भी लगा देते हैं डर्ट, और फाइनली ये काम हो चुका कंप्लीट। अब हम पीछे चलते हैं और ब्लॉक्स को जैसे मैं लगा रहा हूँ आप भी वैसे ही देख के लगाना। उसके बाद एक ब्लॉक और लगा के आगे उस पर डर्ट लगा के उसके ऊपर लगाएंगे पिस्टन, और उसके बाद इस पर लगा देते हैं गिलास और एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं। सबसे पहले डर्ट लगाते हैं भाई, यहाँ पे 2 ब्लॉक डर्ट्स लगाते हैं और ऑब्जर्वर को लेके ऐसे लगाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए। और उसके बाद हमें नीचे जो हमें डर्ट हटानी नहीं है, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमें लगाना है नीचे से एक और ऑब्जर्वर, इसका फेस ऊपर होना चाहिए जैसे ये है। ओके है ये आपका थोड़ा सा अलग भी आपको दिख सकता है लेकिन फेस ऊपर होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पिस्टन और लगा देते हैं हमने जैसे लगाया है। इसके बाद हम पिस्टन के ऊपर आ चुके हैं, इस पर लगा देते हैं एक और ऑब्जर्वर नीचे की तरफ को मुँह करके। अब एक ब्लॉक इधर को लगाते हैं, इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगा दिए एकदम बढ़िया से, और इसके बाद यहाँ पे एक डर्ट लगाते हैं, वो डर्ट के ऊपर लगाते हैं एक ब्लॉक बढ़िया से। ओके अब हम ले लेते हैं एक लीवर, लीवर को यहाँ लगा देते हैं गाइस, ये एकदम बढ़िया लग चुका है। अब आ चुके हैं वापस ऊपर ही, यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉपर्स और डिस्पेंसर्स को ले लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉपर को लगा देते हैं ऊपर को करके, इसका जो ब्लैक होल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये ड्रॉपर एक हमारी तरफ को फेस करके। और इसके बाद हमें एक और पीछे लगाते हैं गाइस, ये यहाँ पे एकदम बढ़िया लग चुका है। और इसके नीचे जो डर्ट ब्लॉक है ना इसको हटा देना है हमको, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे हॉपर अटैच करने हैं हमको 3, एक यहाँ से, सारे इस ड्रॉपर में ही अटैच होने चाहिए, इससे एकदम ओके सीन हो। उसके बाद हम चेस्ट लगा देते हैं, अटैच करने हैं हमको चेस्ट गाइस अटैच। तो दोनों चेस्ट हो चुकी है अटैच, यहाँ पे एक और ड्रॉपर लगाया हमने, तो ये वहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर लगा दिए गए और एक और 2 ऑब्जर्वर में, एक मिनट भी और एक ऑब्जर्वर मैंने गलत लगा दिया, एक मिनट। ओके इसमें ऑब्जर्वर ग्रिएशन ले लेते हैं भाई। अब एक नोट ब्लॉक को यहाँ पे लगा देते हैं एकदम बढ़िया से,
इसके बाद गाइस मेरे को यहाँ से कैंप फायर अभी हटानी पड़नी है। देख लो बर्फ़ जमने लग चुकी है यहाँ पे। अब हमें दो हाइट तक ब्लॉक्स लगाने हैं ऐसे ही। उसके बाद हमें ऐसे 3x3 का वो बनाना है। अभी हम करेंगे गाइस इसको, इधर एक मिनट इसको छोड़ देते हैं। बस बीच का सेंटर वाला ब्लॉक छूटेगा, उसके बाद हमें ये 8 तक हाइट बढ़ानी है इसकी। दोनों तरफ हमें ये चीज़ सेम करनी है। तो ये होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम ऊपर आ चुके हैं। एक मिनट, ये स्टेयर गलत लग चुकी है भाई, इसको थोड़ा सा एक मिनट ऊपर उल्टी लगनी चाहिए ये ऐसे ऐसे, और इसे थोड़ी सी ऐसे। इसके बाद इसमें वाटर ऐसे गिरेंगे जिससे नीचे जाएगा। इसे भी सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। दोनों तरफ मैंने कर लिया कंप्लीट। इसके ऊपर लगा देते हैं हम ब्लॉक्स, और उसके भाई हमें एक मिनट इसको तोड़ लेना है भाई। उसके बाद हमें ब्लॉक्स को लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स हमें आगे तक करना है। इसके बाद भाई हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे डर्ट लगाना है जहाँ पे एक रास्ता छोड़ा था ना एक ब्लॉक का। यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि वहाँ पे पानी गिरना है। अभी हमें वाटर ले लेते हैं और यहाँ पे गिर दिया। इसके बाद ब्लॉक लगा के सारे टेम्परेरी ब्लॉक्स को हम हटा देते हैं। एक मिनट यहाँ पे गिरा, और अभी मैं आपको सामने का व्यू दूंगा कि कैसा आ रहा है फाइनली। ये होगा इस कुछ ऐसा व्यू आएगा सामने। इसके बाद हम आ चुके हैं पीछे, और यहाँ पे हमें कुछ ब्लॉक्स लगाने हैं, ब्रिक्स ब्लॉक्स। एक इसके ऊपर भी लाइन लगानी है, थोड़े से ऊपर चलते हैं सबसे पहले। ओके, ये हम हटा देते हैं हम डर्ट को यहाँ से। इसके बाद एक स्लैब यहाँ लगा देते हैं। इस डर्ट को अभी हमें नहीं हटाने भाई, ब्लॉक को ऐसी स्लैब को ऐसी लगे लेने देते हैं। और अब आ चुकी है डर्ट स्टोन डस्ट लेने। डर्ट स्टोन डस्ट लेके हमें जो स्लैब है ना इसके ऊपर लगाना एकदम। हाँ एकदम देखो लग चुकी है एकदम बढ़िया। अब हमें यहाँ पे भी एक बच्ची हुई जगह, इसमें भी सेम 3x3 एक मिनट ये है गलत लग गया भाई ब्लॉक। इसको भी यहाँ पे भी सेम 3x3 के ब्लॉक्स लगाने हैं ये चुका है, और दो एक्स्ट्रा बाहर को लगाने हैं। और ये आप लगा दिया हमने एक लीवर। इसके बाद हम पीछे आ चुके हैं, और पीछे भाई थोड़ा सा ब्लॉक्स ऐसे लगा के इसको ऑन कर देना है। ये भी लीवर को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे चेस्ट लगा दी हमने और एक ये स्लैब। ओके, उसके बाद हम थोड़ी इस तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे हमें स्टेयर लगानी है। एक मिनट ये गलत लग गई ये वाली, से इसको तोड़ते हैं पहले। और ये यहाँ पे स्टेयर लगा दी हमने एकदम बढ़िया से। इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाया हमने, और एक बाहर को एक ये ऐसे। यहाँ पे भी एक ग्लास लगा दिया जैसे हमने सेम नीचे किया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर वो करना है हमको। ओके, सामने गलत लग गया, इस ब्लॉक को तोड़ देते हैं सबसे पहले हम। और उसके बाद हम आ जाते हैं वापस ऊपर, और यहाँ पे हमने स्टेयर लगानी है। इसके साइड में एक ग्लास ब्लॉक लगा देते हैं, और एक स्लैब आगे के लिए स्टेयर के आगे। पर ये एक मिनट गलत लग जाएगा, इसे तोड़ते हैं पहले। जो स्लैब है ना वो ऊपर को होना चाहिए, उससे एयर के पार्ट देखो ऐसे। और एक ग्लास और लगा दें, और यहाँ पे एक गेट लगा देते हैं ऐसे। ये हो चुका है इतना काम हमारा कंप्लीट। इसके बाद 2-4 ब्लॉक्स हमें ऐसे लगाना है, और यहाँ पर कॉर्नर में से पानी गिर देना है, और अभी गेट के वहाँ तक जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और ये पिस्टन लगाया इसके साइड में, एक वो लगा दें साइन बोर्ड वाइज। इसके बाद ग्लास स्टेयर से थोड़ा सा वाटर गिरा, और थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर से वाइज ये गिर दिया हमने बढ़िया वाटर। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मेरा जो एरिया है ना यहाँ का, यहाँ पर डर्ट हो रही है, हमें हटानी पड़ेगी ये। यहाँ पर आप ब्लॉक ब्लॉक्स ऐसे लगा के यहाँ पर रेडस्टोन लगानी है, एक टॉर्च यहाँ लगानी है। या पहले यहाँ से यार डर्ट हटानी पड़ेगी, ये डर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने अपने एरिया का ना वो वॉल्व बना रहे हैं आसपास, तो अपना एरिया तो सही है। लेकिन अब मेरा फार्म थोड़ा पीछे आ चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। कोई बात नहीं, इसको अब हमें कर लेंगे। तो मैंने सारा एरिया क्लीन कर लिया है थोड़ा बहुत डस्ट डर्ट डर्ट से। अब एक रिपीटर लगाना है हमें थोड़े से एक, और एक टिक लगा देना है, ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का। एक मिनट भाई, ये पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुई, पीछे वाला ब्लॉक हटा देते हैं एक्स्ट्रा है। और ये ऐसे ही दो ब्लॉक्स लगेंगे, इसके बाद ऊपर एक रेडस्टोन और दो ऐसे। ये ओके एकदम हो चुका है। अब हम इस साइड आ चुके हैं, यहाँ पे हमने दो ब्लॉक लगाए, इस पर भी रेडस्टोन टॉर्च लगा देते हैं। इसके बाद रिपीटर के पास हमें लगाना है एक पिस्टन ऐसे, ये चेस्ट की साइड को थोड़ा सा मूव कर उसका। उसके बाद रिपीटर के ऊपर एक ब्लॉक लगा देते हैं और एक ब्लॉक होगा। इसके बाद हमें रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम आ चुके हैं इस तरफ। इस तरफ हमें लगाना, एक मिनट भाई नीचे गिर गया ब्रो, देख लो बर्फ़ जम चुकी है सारे पानी की। ये कुछ करना पड़ेगा, अब स्टील की पिस्टिंग्स लगाने हैं हमें यहाँ पे, और इसके आगे लॉग्स लगा देते हैं, वो लॉग्स सारे को। उसके बाद इन्हें स्प्राउट करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, इन सबको हमें स्प्राउट्स करना है। और इन्हें 5 और वो बनानी है लेयर्स। तो यहाँ पे हम साइड में आ चुके हैं, ये हो चुका है इतना काम कम्प्लीट। और एक मिनट, एक और लगाना है हमें स्प्रोक लॉग, और इसे करते हैं पूरा नेक्स्ट स्प्राउट। उसके बाद एक डर्ट लगाते हैं इसके ऊपर,
और डैड के बाद एक स्पूक लोग आ गए, उसके बाद एक वुडन एक्स से स्पूक कर लेते हैं, एक पिस्टल लाया, इसके आगे भी एक वुडन लॉग से स्प्रॉप कर लेते हैं गाइज एकदम बढ़िया से। इधर टेम्परेरी डैड को लोग इसे तोड़ लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और सेम जो हमने नीचे किया वही यहाँ भी करना है हमें, सेम ऐसे ही डैड वर्ड लगा के पिस्टन लगा के और एक वुडन लॉग इसे भी स्प्रॉप कर लेते हैं, ओके, और इसे भी स्प्रॉप कर लेते हैं। तो गाइस अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ वुडन लॉक को लगाना है उसका फेस और सबको स्प्रॉप कर देना है, सबसे ऊपर वाली लेयर हो चुकी है कम्प्लीट। और सेम ये काम हमें दूसरे तरफ भी करना है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। दो पिस्टन इस तरफ हो, आप चेक कर लेना कि गैप दोनों साइड एकदम सामने सामने हो दूर, आपको ये चीज़ भी चेक कर लेनी है। एकदम लग चुकी है एकदम बढ़िया से पिस्टन्स, अब हम लगा देते हैं यहाँ पे वुडन लॉक्स। देख रहे हो भाई अपने आप ही गायब हो जाता है भाई, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है इसमें। इसको भी लगा देते हैं एकदम बढ़िया से और सबको स्प्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हमें इसकी पांच लेयर और बनानी है सेम भाई, पांच लेयर मैंने लगभग कंप्लीट कर ली है, लगभग क्या खरी ली है भाई। उसके बाद सेम ऊपर जैसे उस तरफ किया था ऐसे यहाँ पे भी हमें वुडन लगानी है। उसके बाद हमें इन्हें पावर देनी है भाई जिससे ये वर्क करेंगे। तो आ चुके हैं अब हम पीछे, एक मिनट ज़्यादा पास हो गए, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, ओके ओके। और ब्लॉक्स ले आया हूँ मैं, अब ब्लॉक्स को लगा देते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम रेडस्टोन डस्ट, एक मिनट रेडस्टोन डस्ट ले लेते हैं हाथ में और ये हम सब पे लगा देते हैं बढ़िया से। अब थोड़ा सा डर्ट लेके और ऊपर चलते हैं एक हाइट। एक मिनट भाई कुछ प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे, मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ आ रही है गाइस। चलो ब्रिक्स तो लगा दिए, तो भाई मैंने एक लेयर कम बनाई थी, मतलब पांच ही बनानी थी, मैंने चार बनाई थी गाइस। तो आपको सेम जितनी सामने लेयर है ना इतनी बनानी है, इसलिए आपको कोई वो करने की घबराने की जरूरत है नहीं। तो सेम सामने जैसी थी ना वैसे ही करना है हमें। और अब ऊपर भी हम लगा देते हैं रेडस्टोन डस्ट, और यही काम रेडस्टोन डस्ट वाला दूसरी तरफ भी हमको सेम एज इट इज़ करना है गाइस। तो फाइनली अपना हम इधर अंदर आ चुके हैं, हम यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं और एक रेडस्टोन डस्ट के ऊपर। एक मिनट भाई ऊपर को फेस करके गलत लग चुका है, इसे तोड़ते हैं पहले। तोड़ दिया है, हम ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसे ऐसे लगाना है कि ये हमारी तरफ को फेस हो, हाँ ऐसे, और एक और इसके आगे लगेगा। सेम हमें ऊपर तक करते चले जाना है, जितने हमें बराबर हाइट हुई है ना ऊपर की वुडन तक उतने बराबर हाइट कर लेनी है। और फिर वुड लॉक्स को ऐसे ऊपर को फेस करके स्प्रॉप करते हुए उन्हें ऊपर तक सेम हाइट तक ले आना है, ऊपर का जितना हमारा सर्विस आ रहा है उतना है। देखो सारे अब सेम हाइट पर आ रहे हैं, ठीक है ना गाइस। फिर ग्लास को भी हमें सेम ऊपर तक ही कर लेना है कम्प्लीट एकदम बढ़िया से। उसके बाद भाई हमने पीछे वहाँ इधर भी कर लिया था कम्प्लीट, मैंने आपसे कहा था जहाँ, तो अब इधर आ चुके हैं, ऊपर चलते हैं जल्दी से। ब्लॉक्स हमने लगा दिए हैं, इस टेम्परेरी ब्लॉक को अभी हम तोड़ेंगे। तो हमने रास्ता कर लिया इधर के लिए, और एक ब्लॉक हमें नीचे लगाना है, सबसे पहले टेम्परेरी ब्लॉक लगाते हैं, उसके बाद एक ब्लॉक और यहाँ लगाते हैं और इस डैट को हम तोड़ देते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्लॉक और यहाँ लगाना है हमें भाई, उसके बाद एक लगा देते हैं रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट नहीं लगानी है हमें, यहाँ पे लगाना है कॉम्परेटर नहीं लगाना भाई, यहाँ पे हमें रिपीटर है नहीं अभी, पर रिपीटर लेके आते हैं अभी हम। तो हमने डस्ट लगा दिया और मैं रिपीटर भी ले आया हूँ फाइनली। और ये डस्ट सही लग रही है ना, हाँ भाई सही लग रही है, थोड़ा सा ऐसे ही रिपीटर की वजह से लग रही है। तो यहाँ पे छोटे से डर्ट ब्लॉक लगा के ये हमें स्लैब्स लगाने हैं भाई कुछ इस तरीके से, ओके। और ये साइड में एक स्लैब इधर लगाया, अब हमें पावर देते चले जानी है ऊपर तक भाई, रेडस्टोन डस्ट की पावर चली जाएगी। ये टेम्परेरी ब्लॉक से हमें हटाते जाना है यहाँ से, और इस साइड में डर्ट लगा। एक मिनट, ये नीचे लग गया भाई ब्लॉक, स्लैब नहीं स्लैब है भाई स्लैब, ये हटाते हैं एकदम बढ़िया से। और ये अपना देखो नीचे तक हो चुका है एकदम ओपी वाला कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं इस तरफ ही, यहाँ पे हम ग्लास लगा देते हैं और रेडस्टोन डस्ट जहाँ पे अपने डबल डबल पिस्टन लग रहे हैं ना वहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे एक तरफ लगाना है ग्लास, एक तरफ लगाना है हमें स्लैब्स, और इसको ऐसे ही कनेक्ट करते हुए चले जाना है रेडस्टोन डस्ट के साथ। तो ये हो चुका है ऊपर तक कम्प्लीट। अब हम नेक्स्ट साइड आ चुके हैं जहाँ पे हमने ग्लास लगाया था, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के ऊपर पे वहाँ पे लगाना है रेडस्टोन डस्ट, और साइड में हमें ब्लॉक लगाना है ऐसे ही, इसके आगे लगाना है एक स्लैब ऐसे गाइस। देख थोड़ा सा ध्यान से करना है थोड़ा सा प्रोसीजर, ओके। और एक स्लैब हमने यहाँ लगाया, फिर से बैठे हम दूसरी तरफ, डर्ट लगाए टेम्परेरी ब्लॉक, उसके बाद हमने यहाँ पे स्लैब लगाया। एक मिनट लग जा भाई, लग गया भाई बढ़िया, ओके। और ये डर्ट हम हटा देते हैं और ये रेडस्टोन लग गया, एक यहाँ पे लगा और हम ऊपर तक ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तक इतना काम तो हो चुका है कंप्लीट, और एक ब्लॉक यहाँ पे लगाया, ओके, और एक इधर। इसके बाद हमें
सबसे पहले हम ले लेते हैं रेडस्टोन डस्ट, एक उस पे लगा देते हैं और एक इस ब्लॉक पे। एक एकदम बढ़िया लग चुकी है ये। और पिस्टन और लगाना है, इसका फेस होना चाहिए गाइस ऊपर की तरफ ऐसे, एकदम बढ़िया। इसके ऊपर एक ब्लॉक और लगाना है हमको ऐसे। उसके बाद हमें एक पिस्टन के साइड में लगा देना है। इसके बाद इस पे लगाना है एक रिपीटर और एक टिक मार देना है, ये ध्यान से एक टिक लगा देना है, ये तो बढ़िया है। बाद ब्लॉक्स लगा देना है रिपीटर के आगे लगाना है। लग जाओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को लगाने में। ओके लग जा भाई लग जा। ओके भाई लग चुका है रिपीटर के आगे एक ब्लॉक। ऊपर आ जाते हैं और एक रिपीटर के ऊपर लगाना है हमें ब्लॉक, ये लग चुका है एकदम बढ़िया। इसे रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद हमें फिर से एक टेम्प्रोरी ब्लॉक लगाना है और यहाँ पे लगाना है अब एक स्लैब। और जैसे हमने उधर पावर्स दी है ना रेडस्टोन डस्ट के, मतलब पिस्टन्स को, इधर भी हमें पावर्स पहुँचानी है ऊपर तक। ऐसी डर्ट लगाते हमें पावर देनी है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं कम्प्लीट। ये लगाई इधर भी डर्ट और इधर भी डर्ट, और यहाँ पे एक लगा देते हैं स्लैब। ये एक मिनट ये हो चुका है और एक स्लैब और थोड़ी आगे लगेगा। यहाँ पर डर्ट लगाते हैं सबसे पहले, इधर डर्ट और ये हो चुका है एक मिनट स्लैब। ओके और फाइनली ये हमारा ऊपर तक हो चुका है एकदम कंप्लीट बढ़िया से। इसके बाद हमें रेडस्टोन टॉर्च लगा देने हैं लीवर के पीछे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें इस ब्लॉक के एक ब्लॉक लगाना है रेडस्टोन डस्ट के ऊपर, और उसके ऊपर रेडस्टोन टॉर्चेस लगाती जानी है। ये एक लगा दी हमने, ये अब हम लगाते हैं दूसरी। ओके ये इसके ऊपर और एक और ब्लॉक, ये तीन लगा दिए हमने, वो ये लगाते थे चार। हमें लगभग जितने मैंने आपको रेडस्टोन डस्ट दिखाई दी ना टॉर्चेस, तो आपको वो सारे यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे रेडस्टोन टॉर्चेस हमारी बस। हाँ ओके गाइस, ये हमारी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस यहाँ यूज़ हो गई। अब इसके बाद हमें आगे का काम करना है। इसके साइड में एक ब्लॉक लगाते हैं गाइस और एक यहाँ को ऐसे करके एकदम बढ़िया से। उसके बाद मैं डर्ट ले आया हूँ, डर्ट टेम्परेरी ब्लॉक है ये, और एक यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाया। इस टेम्परेरी ब्लॉक को हम तोड़ देते हैं भाई, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि। और एक कंपरेटर लगा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से लगाना आपको। और यहाँ पे हो चुका है ये इतना काम है, एक साइड साइड में ऐसे ब्लॉक्स लगाने। उसके बाद एक रिपीटर लगाना है, इसको चार टिक कर देते हैं, मतलब चार तो नहीं पूरा टिक कर लेना है उसे लास्ट तक आ जाए, जिससे वो टेम्परेरी ब्लॉक लगा के हमने लगा दिए ब्लॉक्स। इसे तोड़ लेते हैं टेम्परेरी ब्लॉक को। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपको मदद कर सकूँ। तो सेम आपको मेरे जैसे प्रोसीजर्स वो मतलब वो करना है, फॉलो करना है। तो ये हो चुका है रिपीटर लग चुके हैं यहाँ पे, और एक रिपीटर यहाँ लगेगा। इसके बाद आपको रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है। एक मिनट ये भाई, ये वाला रिपीटर थोड़ा गलत लग चुका है, देख लो भाई काम करते करते रात भी हो गई, बर्फ़ फट रही है। इस पर एक ही टिक लगाना है आपको, ये चेक कर लेना बिल्कुल आपका पर का जो सिस्टम है ना, ये ऐसा ही सेम होना चाहिए। आप रिचेक कर लेना एक बार बनाने से पहले। उसके बाद साइड पे पिस्टन लगाते हैं रेडस्टोन डस्ट के, उसके ऊपर लगा देते हैं एक सैंड ब्लॉक और एक साइड में ब्लॉक्स लगा देते हैं। ओके इसके बाद लगा देते हैं एक रिपीटर, ये हो चुका है अपना भाई इतना काम कंप्लीट। और रिपीटर के साइड में एक ब्लॉक लगा देते हैं। इसके बाद ग्लास ले लेते हैं भाई, एक ग्लास यहाँ लगा देते हैं। ओके इसके बाद साइड में नीचे की तरफ लगाते हैं एक डर्ट ब्लॉक, ये अपना टेम्परेरी ब्लॉक है। इसके बाद एक नीचे को लगाते हैं ग्लास इधर और एक इस तरफ को, एक मिनट इसे तोड़ देते हैं भाई, यहाँ पे हमें लगाना नहीं है, यहाँ पे तोड़ना। और एक चेस्ट जो है हमें इसके आगे लगानी है ग्लास ब्लॉक के, ये हो चुका है भाई इतना काम कम्प्लीट। यहाँ पे एक वॉल लगा लेनी है, एक वॉल उसके आगे ग्लास, और डर्ट जो है अपना टेम्परेरी ब्लॉक इसको भी हम तोड़ लेंगे। इसको हम जल्दी से तोड़ देते हैं यहाँ से, और एक ब्लॉक यहाँ पे आगे लगाते हैं, उसके साइड में लगाते हैं ग्लास ब्लॉक, और इन दोनों को आप तोड़ देते हैं टेम्परेरी ब्लॉक्स को यहाँ से। और ये डर्ट यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक को फिर से तोड़ लेते हैं। और उसके बाद हमें इस पर एक साइन बोर्ड लगाना है, ये साइन बोर्ड लग चुका है अपना एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे गिर देना वाटर चेस्ट के पीछे जो हमने ग्लास लगाया था इस पर, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। ओके एक पिस्टन यहाँ पे, दोनों आमने सामने पिस्टन होंगे। इसके ऊपर एक ब्लॉक और एक स्लैब, और एक स्लैब और लगाना है इसके आगे, और फिर और लगाते हैं स्लैब्स नहीं आगे तो ब्लॉक लगेंगे, एक स्लैब लगेगा गाइस। इसके ऊपर हमें रेडस्टोन डस्ट कर लेना है इनको कनेक्ट एकदम बढ़िया से। और इसके आगे हमें पिस्टन के आगे लगा देना है एक ऑब्जर्वर, उसके बाद एक TNT। ओके और एक ब्लॉक लगा के यहाँ पे, एक मिनट भाई ये देख रहे हो अपने आप ही गायब हो रहा भाई ब्लॉक, देख रहे हो मेम कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं
क्या करूँगा इस, तो मैं एक काम करता हूँ साइड का लगा दे उसे, मैं आपको बाद में लगा के दिखा दूँगा इस। तो मैंने लगा दिया है ये, यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट लगा दी है और एक रेड स्टोन डस्ट अब हमें बस यहाँ और यहाँ लगानी है। तो फाइनली अपना फार्म हो चुका है एकदम रेडी गाइस। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ चेक करा देता हूँ, इस लीवर को आपको ऑन कर लोगे तो यहाँ पर रेड लाइट जलने लगेगी। मैंने फार्म चला के देखा है और ये जो सामने ऑब्जर्वर नहीं है, ड्रॉपर है इसके, सॉरी डिस्पेंसर है, इसके अंदर बोन मिल आपको चेस्ट में रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ये एकदम बढ़िया से वर्क कर रहा होगा ये फार्म। यहाँ पे ये स्लैब है ना, एक मिनट, यहाँ पे ब्लॉक लगाया था मैंने, यहाँ पे स्लैब लगाना है गाइस, आप चेक कर लेना एक जगह पे होगा ये चीज़। और चेस्ट में आपको बोन मिल रखनी है जिससे अपने आप बोन मिल डिस्पेंसर में जाएगी जो आपको मैंने अभी दिखाई। तो ये लीवर ऑन करोगे तो देखो भाई ऊपर से TNT ऐसे ऊपर से आने लगेंगे, अपने आप आपकी वो टूटने लगेगी। आपको सिर्फ जल्दी से जाके वहाँ पे सैपलिंग्स लगानी होंगी खुद जाके, डर्ट के आगे जो डिस्पेंसर के आगे डर्ट लगी थी ना, आपको सैपलिंग्स लगा दे चले जानी है। तो अपना फार्म हो चुका एकदम रेडी। तो आज की वीडियो में बस इतना, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई क्वेरीज है इस फार्म को लेकर तो मेरे को कमेंट करना मत भूलना। तो थैंक यू एंड बाय गाइस।